उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में डीएम ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम के साथ स्पेशल सर्विलांस अभियान व 55 घंटे के लॉकडाउन अभियान का रियलिटी चेक किया कि अभियान में अधिकांश सभी कुछ सही पाया गया है। जो कुछ कमियां पाई गई हैं उनके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये है बुलंदशहर जनपद के जिलाधिकारी व SSP जो स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ खुर्जा तहसील के गांव नगला मोहिद्दीनपुर में है। डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 जुलाई से 12 जुलाई तक स्पेशल सर्विलांस अभियान के तहत घर घर जाकर थर्मल स्कैनिंग व बीमारियों के बारे में जानकारी ली जा रही है। डीएम ने बताया कि गांव के 300 घरों में से कुछ घरों की जानकारी लेने पर पता चला कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर घर पहुंचकर सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया है, साथ ही उनसे जाना कि किसी को कोरोना वायरस के लक्षण तो नहीं है। डीएम ने आयुष गाइडलाइन के बारे में भी पूछा जो कि संतोषजनक है। डीएम ने साफ सफाई की व्यवस्था की जानकारी ली जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम ने इन सभी पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। देखिए, अभी हम लोग खुर्जा तहसील के नगला मोहिद्दीनपुर में खड़े हैं। यहाँ बेसिकली रियलिटी चेक करने आए थे, क्योंकि अभी सरकार द्वारा 2 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक स्पेशल सर्विलेंस अभियान चल रहा है, जिसमें डोर टू डोर सर्वे करके ऐसे सभी सस्पेक्टेड लोगों को निकाला जा रहा है जिसमें कोरोना के लक्षण हों। तो उसी के संदर्भ में इस गांव का सर्वे खत्म हो चुका था 2 दिन पहले। तो जब मुझे पता लगा तो मैं हैं, कप्तान साहब हैं और पूरी टीम है। यहां लगभग इस गांव में जो बताया गया है 300 घर हैं, और हमने 2-3 घर वालों से पूछा तो सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स है। जहाँ हम लोग 2-3 चीज़ एश्योर करवा रहे हैं कि टीम आई तो क्या परिवार के समस्त सदस्यों का चेक किया, एक दो से पूछ के निकल गई थी। यहाँ लोगों ने बताया कि जितने भी सदस्य हैं सबका स्वास्थ्य चेक हुआ है, और स्वास्थ्य चेक में थर्मल स्कैनिंग से टेम्परेचर लेने के साथ साथ पूछा जाता है कि परिवार के कोई लोग बीमार तो नहीं है, सर्दी खांसी जुकाम सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है। इसके साथ साथ हम लोगों का ये भी रहता है कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष से जो रिकमेंडेड मेडिसिंस हैं वो लोग ले रहे हैं या नहीं, या लोगों ने जो ऐप है इसका संबंधित ऐप हैं आयुष कवच हैं इनको डाउनलोड करके उनका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे लगभग सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स रहा है। अभी देखिए कि कल रात 10 जुलाई के रात 10 बजे से लेके 13 के 5 बजे सुबह तक लॉकडाउन भी है, जिसमें मासिव सफाई का अभियान चल रहा है। तो इसका भी निरीक्षण किया गया। हालाँकि इस गाँव में एक सफाई कर्मी है, थोड़ी बहुत सफाई दिखी है और ज़्यादा सफाई करवाने के निर्देश दिए गए। साथ ही 55 घंटे का लॉकडाउन है उसको लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए, और साफ सफाई व सभी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।